Hello dear students, my name is Supreet Kaur and welcome to our class. This video is our introduction video of our chapter number 1, that is real numbers for class 10th. जी हाँ, class 10th की हम introduction video करने जा रहे हैं. आज जो भी हम सीखेंगे इस introduction video में वो हमारे आने वाले exercises में clear हो जाए. So friends, firstly we are going to talk about natural numbers. What is natural number? काउंटिंग नंबर्स और कॉल नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर. अभी काउंटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ऑल द काउंटिंग नंबर्स और कॉल नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है एन के साथ. ओके, क्लियर हुआ? अब हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की. व्हाट इज होल नंबर? जीरो अलोंग विद ऑल द नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर इज कॉल्ड होल नंबर्स. यानी कि नेचुरल नंबर के साथ जीरो लग जाए, यानी जीरो भी आए, उसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर. एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, so on. This is our whole number. अब whole number को हम represent करते हैं W के साथ. Okay? समझ में आया? यानी natural number के साथ plus addition में क्या लग जाए? Zero लग जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? Whole number. Our next definition is of integer. What is integer? नंबर कंटेनिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो या अलोंग विद जीरो. ठीक है, यानी कि नंबर जो क्या कंटेन करते हैं? पॉजिटिव नंबर्स भी कंटेन करते हैं और नेगेटिव भी कंटेन करते हैं, और साथ में क्या लग जाए? जीरो भी आए, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर. एग्जाम्पल ले लेते हैं इंटीजर की, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. यानी कि इसके बाद भी हम एक नंबर लाइन की एग्जाम्पल ले चुके हैं. ठीक है, अब देखिए इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आए, यानी कि माइनस वाले भी आ गए, और यहाँ पे पॉजिटिव भी आ गए, यानी प्लस वाले, प्लस साथ में क्या लग गया? जीरो. तो ये क्या हो गए? इंटीजर्स. ओके, समझ में आया? यानी कि इंटीजर्स में क्या आ जाते हैं? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अलोंग विद जीरो. और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से. नाउ रियल नंबर्स, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स और कॉल रियल नंबर्स. यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स. एग्जाम्पल -1, 1/2, ठीक है, 1.75, so on. These, इसमें क्या क्या आ गया? रैशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया. ओके, अब हम बात करते हैं कि ये रैशनल इरेशनल होता क्या है. रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से. नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, किसके फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू, यानी डिवाइड के फॉर्म में होते हैं. वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स होते हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है. यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूं, जैसे आप ले लो 4/1. अब हम इसको अगर डिवाइड भी करते हैं, यानी ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन जो इसका कोएफिशिएंट है वो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे से कट नहीं सकता. इसी तरीके से आप कर सकते हो 5/7, सो ऑन. बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, यानी कि इसमें हमें क्या करना है? p by q के फॉर्म में हो, लेकिन जो q है वो कभी भी जीरो ना हो, यानी कि जीरो ना आए. ओके, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की. अब इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है q डैश. अब ये इरेशनल नंबर होता क्या है? रियल नंबर्स विच कैनॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q. यानी कि किसके फॉर्म में नहीं होता है? p by q के फॉर्म में भी नहीं होता है, एंड वेयर डेसिमल्स एक्सप्रेशन आर नॉट
ट्रिमेंडिंग एंड नॉर रियोक्रिंग, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करते भी हैं तो कभी भी ये रिपीट नहीं होता और सेम नहीं आता। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यानी कि अगर मैंने इसको किसी भी फॉर्म में डिवाइड किया तो ये सेम नहीं आया, यानी कि रिमाइंडर इसका कभी भी जीरो नहीं आता और ये कभी भी रिपीट नहीं होता। अब आपको समझ में आया कि ये क्या होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नाउ थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा, या इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम डिवीजन लेमा। अब चलिए इसमें क्या दिया है, गिवन दिया है पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाई। अब ऐसे बिल्कुल भी समय नहीं आने वाला क्योंकि आप प्रीवियस कर भी चुके हो, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूं कि जब मैं लिखूंगी तभी आपको समझ में आएगा कि आपने पहले भी कर चुके हो। दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। किया है ना आपने बहुत बार। चलिए अब इस फॉर्मूला में क्या यूज किया गया है, डिविडेंड को हमने ए ले लिया है, डिवाइजर को हमने बी ले लिया है, कोएफिशिएंट को हमने क्यू ले लिया है और आर हमने ले लिया है, दैट इज रिमाइंडर को हमने आर ले लिया है। समझो इसको ए बी क्यू आर, ओके। अब हम एक छोटा सा एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, 10 ले लो, उसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए 3 3 9, तो यहां पे क्या बच गया 1। अब किसी को कर लीजिए, डिविडेंड में क्या आ जाएगा 10, डिवाइजर इज 3, कोएफिशिएंट इज 3 एंड रिमाइंडर इज 1। अब किसी को आप इस फॉर्म में ले जाओ, इस फॉर्मूला के सॉल्व करके, दैट इज 10 इज इक्वल्स टू 3 3 9 प्लस 1। अब देखिए यहां पे ये a हो गया, दैट इज बी क्यू प्लस रिमाइंडर आर। समझ में आया। अब इसी चीज में अब आपको पता चल जाएगा कि क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है इसका सोल्यूशन कि रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा, जो कि आपको यहां पे प्रूव हो रहा है। R इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जीरो से क्या ग्रेटर होगा, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर से ग्रेटर क्या होगा, B हमने पहले बता दिया है, दैट इज डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है, बड़ा है, ऑब्वियस है, जैसे हम डिवाइड करेंगे वो रिमाइंडर से बड़ा होगा, जो कि हमारा प्रूव हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, होप करती हूं आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जाने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो।